तो ऋषिकेश जाने के लिए हो चुके हैं रेडी सुबह सुबह उठ के, और गाड़ी का देख रहा था। दरअसल आज गाड़ी आई नहीं है यहाँ पे ना, कल आई नहीं है, तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं अपना शेड्यूल ख़राब हो गया। अब मुझे ना बाइक से जाना पड़ेगा आधे रास्ते तक, तो मैं क्या कर रहा हूँ भाई, पौड़ी तक जा रहा हूँ बाइक से, और फिर वहाँ से आगे के लिए जाऊँगा, वहाँ से बस में जाऊँगा बेसिकली। तो अभी ऐसा करते हैं कि जल्दी से चलते हैं और अपनी जर्नी शुरू करते हैं यार। हाँ हाँ चलो ठीक है, क्योंकि मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए। मुझे वैसे पहुंचना तो शाम को ही है, कोई जल्दीबाजी भी नहीं है, मतलब कि आराम से पहुंचना है, लगभग 3-4 बजे के अराउंड में पहुंचना है, क्योंकि जो मुझे पिक करने के लिए आएंगे, मेरे दोस्त भी आ रहे हैं वहाँ पे ना, तो वो भी 3-4 बजे ही पहुँचेंगे वहाँ पर, तो वही सब चीज़ें हैं। तो देखते हैं कैसी जर्नी होती है। तो तुम अर के होना सुबह रे, तो दादी को देखो सुबह सुबह मोल सुखा रही है, मतलब कि गोबर सुखा रही है। आजकल खेती बाड़ी का टाइम ना, तो इसलिए लोग लगे हैं कोई लिपाई पुताई पे, जैसे कि यहाँ पर भी लिपाई पुताई हो रही है, मोल इकट्ठा हो गया, मतलब गोबर इकट्ठा कर रखा है। बढ़िया है भाई। तो अभी ऐसा करते हैं कि आगे को चलते हैं, किसी और जगह पे मिलते हैं आपसे। तो सुबह सुबह पहुँच गया हूँ पांग की धार में, यानी कि पांग गाँव के सामने, और यार सुबह सुबह का मौसम की बात करो, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, कितनी प्यारी चल रही है, और मौसम इतना बढ़िया हो रखा है ना, लाजवाब भाई। सुबह सुबह का मौसम देख सकते हैं, वैली देख सकते हैं, कितनी खूबसूरत दिखाई दे रही है। सामने खादसियों की वैली है, और मैं उसी रोड से होते हुए जाने वाला हूँ। तो दरअसल अभी मैं क्या करूँगा ना, अभी पौड़ी में दरअसल अपनी बाइक को खड़ी कर दूँगा अपने नाना जी के घर पर, और फिर वहाँ से जाऊँगा गाड़ी से जाऊँगा, यानी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाऊँगा। मतलब देखते हैं, अगर ऋषिकेश के लिए डायरेक्ट गाड़ी मिलती है तो अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ से जैसे देवप्रयाग हो गया, मुझे देवप्रयाग के ही रास्ते जाना है, नहीं तो देवप्रयाग तक भी मिल जाएगी, तो वहाँ से फिर आगे मिलती रहती हैं गाड़ियाँ ना, कोई दिक्कत नहीं है, और अपना ही एरिया है। तो मौसम तो देख ही सकते हैं, मौसम काफ़ी बढ़िया हो रखा है। अच्छी बात यह है कि ज़्यादा गर्मी भी नहीं है, ठंडा ही है, और ऋषिकेश में मुझे ज़्यादा गर्मी देखने को मिलने वाली है। सामने आपको पुसली गाँव दिखाई दे रहा है, क्या सही दिखाई दे रहा है देखो अभी। तो अभी ऐसा करते हैं, यहाँ से चलते हैं आगे, किसी और जगह पे रुकेंगे, किसी और ऐसी खूबसूरत सी जगह को दिखाएंगे। पौड़ी से निकला अपनी गाड़ी, पौड़ी में खड़ी करी और सीधा आ गया बस में ऋषिकेश की तरफ में। तो ऋषिकेश में पहुँच गया हूँ बेसिकली ना, तो लिटरली यार बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी यार, सीरियसली बस घूम रहा हूँ। बड़ी मुश्किल से एक हैट खरीदी है, टोपी खरीदी है, सो दैट कि यार थोड़ा बहुत ये टैनिंग से बचा रहूँ, जो भी है। तो अभी मैं राम झूला की तरफ में जा रहा हूँ, लेट्स सी, थोड़ा बहुत वॉक है, लेकिन कोई बात नहीं, इतना वॉक चलेगा, 3 किलोमीटर का बता रहा है। दरअसल मैं 2 घंटे पहले आ गया हूँ यहाँ पे ना, और 2 घंटे मुझे यहाँ पर किसी तरीके से स्पेंड करने, सो दैट कि यार बेसिकली जो मुझे पिक करेंगे यहाँ पे, वो 5 बजे के राउंड में आएंगे, तो वही सब चीज़ है। 5 बजे तक मैंने कहा यार कुछ तो टाइम कटेगा, वही सब चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने कहा वॉक करके चलते हैं और थोड़ा घूम के आते हैं, ऋषिकेश की गलियों को खोजते हैं थोड़ा। तो ये है भाई ऋषिकेश। एक्चुअली ना मुझे दरअसल, मैं पहली बार आया यहाँ पे, पहली बार क्या दूसरी बार आया हूँ, एक बार बहुत पहले आया था बचपन में, तो उस टाइम का याद नहीं है दरअसल ना, तो पहली बार लगा सकते हैं कि पहली बार आया हूँ, तो कुछ पता नहीं चल रहा किधर को जा रहा हूँ क्या है। चलो घूमते हैं, एक्सप्लोर करते हैं। यार काफ़ी टाइम से यहाँ पर वॉक कर रहा हूँ, दरअसल इसे पद यात्रा करके कुछ कहते हैं ना, इस पाथ को कुछ कहते हैं, तो ऐसे ही करके गंगा के साइड में चल रहा है, और मुझे लगा था वहाँ से ये राम झूला की तरफ में जाएगा रास्ता, राम झूला दरअसल पीछे रह गया, बट अनफॉर्चुनेट कहीं ना आगे चल के जो शत्रुघ्न घाट है जहाँ पे गंगा आरती होती है ना, वहाँ पे जाके रास्ता ख़त्म हो गया, मुझे दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा, लेट्स सी देखते हैं। तो अभी क्या करते हैं, थोड़ा सा इसी साइड में घूमते हैं, राम झूला दरअसल यहाँ से उस साइड में दिखाई दे रहा ना, वहाँ पर छोटा सा बीच भी है, वहाँ पर कुछ अच्छे अच्छे मंदिर भी है भाई, और यहाँ पर चल रहा है बोटिंग, यानी राफ्टिंग चल रही है बेसिकली। इस एरिया को देख सकते हैं यार कितना सुंदर है, और मैं था उस तरफ से, अभी क्या कर रहा हूँ उसी तरफ में जा रहा हूँ, थोड़ा सा पहले यार कुछ खाते हैं, दरअसल भूख भी काफ़ी लग गई ना, तो पहले पेट पूजा करते हैं और फिर दिखाएंगे आपको कुछ और, क्योंकि आज तो हम यहाँ पर ही है, अपनी मीटिंग है जो उसे कंप्लीट करेंगे, वो भी इवनिंग के टाइम पर ना, तो लेट्स सी देखते हैं फिर भी। एंड दी न्यू थिंग इज, और जगह पे जाओगे ना तो आपको बंदर ही बंदर दिखेंगे, लेकिन यहाँ पे लंगूर देखने को मिलेंगे, विच इज़ अ डिफरेंट थिंग राइट। मैंने पहली बार इतने नज़दीक से लंगूर देखे हैं भाई, और कुछ कर भी नहीं रहे, आ रहे हैं सामने बैठ जा रहे हैं कि कुछ देंगे, तो वही सब चीज़ें। आगे का झूला भी देख सकते हैं यार कितना सुंदर दिखाई दे रहा है, बट मुझे पता नहीं है उस जगह का नाम क्या है ना,
तो कहीं ना कहीं ये चीज़ रह गई है, बट कोई बात नहीं, देखते हैं। वैसा मेरा मीटिंग का भी टाइम हो रहा है, जिस मीटिंग के लिए मैं आया था ना यहाँ पे, वो अब ऑलमोस्ट टाइम हो ही है, मतलब 5 बजने वाली है। तो ऐसा करते हैं, पहले मीटिंग में जाते हैं, अटेंड करते हैं और फिर उसके बाद में कुछ और दिखेंगे आपको। ऋषिकेश घूमने के बाद में पहुँच चुके हैं देहरादून में, और देहरादून में अभी घूम रहा हूँ मैं FRI में, जो कि देहरादून में बहुत ही फेमस जगह है। हर कोई अगर देहरादून में अगर घूमने आता है ना, तो FRI में ज़रूर घूमने आता है। मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो आज थोड़ा बहुत इसी एरिया को दिखाने वाला हूँ। तो ऋषिकेश घूमने के बाद में पहुंच चुके हैं देहरादून में, देहरादून में अभी FRI में हूँ अभी देहरादून में ना। तो यार मेरा भी फर्स्ट विजिट है यहाँ पे, पहली बार आया हूँ। काफ़ी बढ़िया लग रहा है, चारों तरफ हरियाली देख के काफ़ी बढ़िया लग रहा है, पेड़ पौधे देख के ना। तो दरअसल कल मैंने जब बोला था ना आपको लास्ट टाइम पे, जब मैं जानकी घाट पे था, तो वहाँ पर बोला था कि शाम के टाइम पे आपको कुछ दिखाऊंगा, लेकिन अनफॉर्चुनेट नहीं दिखा पाया। जो अपनी मीटिंग थी यार, वो काफ़ी लंबी चली और उसकी वजह से दिखा नहीं पाया कुछ भी ना। लेकिन कोई नहीं, सुबह सुबह हम देहरादून पहुँच गए थे। बेसिकली हमने स्टे ना देहरादून में ही किया था, डोई वाला करके एक जगह थी, वहाँ पर स्टे कर रखा था। लेकिन चलो यार, जो भी है अच्छा है। और फिर सुबह से हमारी मीटिंग चल रही थी, तो उसकी वजह से फिर हम रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, लेकिन चलो जो भी है। तो यहाँ से FRI देख सकते हैं यार, कितना बढ़िया है। यहाँ पर कुछ ऑफिसेज हैं सिस्टमेटिक बोटनी करके, जिसमें अभी हम गए थे, और यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन मिली थी। तो चलो जो भी है, मतलब अपना इन्फॉर्मेशन पूरा क्लियर नहीं हुआ यहाँ पे, तो आगे जा रहे हैं, थोड़ा सा आगे भी दिखाते हैं आपको ना। अभी आजकल आइडेंटिफिकेशन हो जाता है, क्योंकि इस टाइम फूल बहुत अच्छा है। तो FRI में घूम रहे थे, अभी के टाइम पर हम FRI के जो कंजर्वेटिव एरिया है, यानी कि जो नर्सरी यहाँ की, उसमें घूम रहे हैं। थोड़ा बहुत यहाँ पर देख रहे हैं, प्लांट्स देख रहे हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं और कौन से एरियाज़ में होती है, थोड़ा बहुत इसका ज्ञान ले रहे हैं और भी चीज़ें कर रहे हैं बेसिकली ना। तो दरअसल नर्सरी वहाँ से शुरू होती है, काफ़ी बड़ी नर्सरी है और काफ़ी अलग अलग वैरायटी के यहाँ पे, मतलब पेड़ पौधे हो गए, जो मतलब पौधे हैं, अलग अलग स्पीसीज़ बचा कर रखी गई है। ये बेसिकली एक कंजर्वेटिव एरिया है ना, जहाँ पर बचाया जाता है। तो वही सब चीज़ें थोड़ा बहुत इस एरिया को देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, और ऑलमोस्ट देख ही लिया है। अब यहाँ से चलते हैं आगे, कुछ और चीज़ें दिखाएंगे आपको। तो ये है नर्सरी, और यहाँ पर ना काफ़ी सारे मतलब प्लांट कंजर्वेटिव कर रखे हैं। एक नर्सरी दिखाने के बाद में आप चल रहे हैं सेंट्रल नर्सरी की तरफ में। वो दरअसल कंजर्वेटिव एरिया था, जहाँ पर ये प्लांट्स को बचाया जाता है, रखा जाता है, और अब जा रहे हैं सेंट्रल नर्सरी की तरफ में। तो उस तरफ में दिखाते हैं थोड़ा आपको। तो सेंट्रल नर्सरी में पहुँचते ही थोड़ा सा हरियाली दिखने लगी, यानी कि फूल देखने को मिल रहे हैं भाई यहाँ पे। तो ये देख सकते हैं यार, नर्सरी दरअसल काफ़ी बड़ी है, उस साइड में भी है नर्सरी, और यहाँ पर ना फूल ही फूल लगे हैं भाई चारों तरफ। तो अच्छा लग रहा है, एक बार देखते हैं कौन है ऑफिस में, थोड़ा सा नर्सरी घूमते हैं फिर दिखाते हैं। तो ये रही भाई सेंट्रल नर्सरी, और अभी नर्सरी में घूम रहे हैं। दरअसल ऑफिस तो बंद हो गया, कोई है नहीं ना ऑफिस में, तो बोला आप खुद ही जाकर देख लो। तो हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। तो ये देखो यार, ये एरिया ना, दरअसल FRI ना पहली बार आए हैं, तो हमें पता नहीं है कि कहाँ से किधर को जाना है, कहाँ से किधर को जा रहा है, बस पूछते पूछते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ पर बेसिकली हमें मतलब ज़रूरत है, जिस चीज़ के नॉलेज की ज़रूरत है, तो वहाँ पर जा रहे हैं अभी मेनली ना। अदरवाइज़ जो FRI का जो गेट दिखाई देता है, लोग दिखाते हैं जैसे पिक्चर्स में या फिर वीडियोज़ में, वो बहुत ही सुंदर है भाई, लेकिन उससे सुंदर ये वाला एरिया है। तो ये वाला ना, यहाँ पर कमल लगा है, और ये वो वाला कमल नहीं है, दरअसल हाइब्रिडेड कमल है ये। तो इसको देख सकते हैं यार, छोटे छोटे फूल खिल रहे हैं यहाँ पे ना। और ये है यहाँ पे बांस का जंगल भाई। दरअसल यहाँ पर अलग अलग वैरायटी के पेड़ पौधे उगा रखे हैं ना, एक मतलब हर किस्म के, आपको यहाँ पर हर किस्म के मिल जाएंगे बेसिकली। तो उन्हीं में से एक है यहाँ पे बांस, जो कि मोस्ट डिमांडिंग प्लांट है भाई, या फिर ट्री भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी तरीके से उगा रखा है, और काफ़ी बड़ा बड़ा हो रखा है यार। तो यार FRI में आज काफ़ी घूम लिया, दरअसल 5 बज गए, वैसे बोला 5:30 बजे तक बंद हो जाता है, 6 बजे तक यहाँ से बाहर जाना पड़ेगा,
लेकिन कोई बात नहीं यार, अभी ऐसा करते हैं कि यहाँ से चलते हैं, थोड़ा बहुत आज देहरादून में ही शायद स्टे करना पड़े, लेट्स सी, फिर भी देखते हैं और उसके बाद में क्या प्लान बनता देखते हैं। वैसे कल तो हमारा ये है ना कि देहरादून से हम सीधा पौड़ी के लिए निकलेंगे। हाँ ये है कि कहीं ना कहीं मैं ऋषिकेश का मतलब अच्छे से नहीं दिखा पाया, मैं बोल रहा था ऋषिकेश जाऊँगा लेकिन वो अच्छे से नहीं दिखा पाया यार, अनफॉर्चुनेट। लेकिन अभी क्या करेंगे, यहाँ से जाते हैं बाहर को, थोड़ा जाते वक्त दिखाएंगे और उसी के साथ में इस वीडियो को भी एंड करेंगे थोड़ी देर में ना। अभी ऐसा करते हैं आगे चलते हैं और आगे दिखाते हैं थोड़ा बहुत। हाँ ये साहब क्या खुशबू है इसकी, इस फूल के पौधे को देख सकते हो यार, कितनी ज़बरदस्त खुशबू, फ्रांसिसिया। पूरा मोगरा धूप का खुशबू है, बड़ी ज़बरदस्त खुशबू है यार इसकी।